हेलो गाइस, मेरा नाम मुकेश वर्मा है और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर साइंस की क्लास लेकर आया हूँ, जो कि स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक हम पूरी साइंस पढ़ेंगे जो रेलवे एसएससी एचएसएससी में आती है। जैसे कि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, सबसे पहले है साइंस, जिसमें हम आज इंट्रोडक्शन करेंगे। सिर्फ इंट्रोडक्शन ही चलेगा साइंस का। सबसे पहले तो हम साइंस का मीनिंग जानेंगे कि एक्चुअली में साइंस होती क्या है। साइंस का मतलब है टू नो, मतलब कि जानना विद फैक्ट, जिसमें हम उसके फैक्ट की वजह से उसको जानते हैं या जो भी वर्किंग हुआ है वही क्या है, साइंस है, साइंस कहलाता है। साइंस एक वर्ड से आया है जिसका मीनिंग है साइंटिया, जो एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। ये एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। सबसे पहले यही एक लैंग्वेज थी ग्रीक, जिसमें बाद में हमारी संस्कृत भी आई है, इसी से साइंस की शुरुआत हुई है। इस साइंटिया वर्ड का ही मीनिंग है टू नो, जिसे हम जानना कहते हैं, जो विद फैक्ट है, विद फैक्ट के साथ में किसी चीज, किसी थिंग या किसी बॉडी के बारे में जानना प्रॉपरली, भाई कैसे ये वर्किंग में है और क्यों है, समझ गए, वो क्या है, साइंस है। साइंस तीन हिस्सों में बटी हुई है। सबसे पहले आती है बायोलॉजी, जिसे हम बोलते हैं जीव विज्ञान। अब ये बायोलॉजी का मीनिंग क्यों, सबसे पहले बायोलॉजी क्यों, क्योंकि अगर सबसे पहले ह्यूमन बीइंग ही क्या आया है इस अर्थ पर आया है, तो उसी ने तो देखा होगा ना इसको। अगर उसने नहीं देखा तो फिर बायो अगर सबसे पहले बायो क्यों बढ़ाई जा रही, क्योंकि अर्थ पे सबसे पहले ह्यूमन बीइंग आया है, उसी ने देखा है फिजिक्स को और क्या देखा है केमिस्ट्री, इनको बाद में इन्हीं ने देखा है और एक अलग चीज आई है इसके बाद में, है एक अलग टॉपिक है एनवायरमेंटल स्टडीज। क्या है एनवायरमेंटल स्टडीज, सबसे पहले बायो है, उसके बाद फिजिक्स है, फिर है केमिस्ट्री और फिर है एनवायरमेंटल स्टडीज। हम आज से स्टार्ट करेंगे बायो, बायो में एक्चुअली होती क्या है और इसी का इंट्रोडक्शन आज हम करेंगे स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बायो। अब देखो बायोलॉजी भी किससे लिया गया है, एक ग्रीक लैंग्वेज, क्या लिया गया है, ग्रीक लैंग्वेज से यह वर्ड यूज किया गया है। बायो का मतलब है, एक वर्डिंग में बता देते हैं, जिसको बायो प्लस में लोगस, इस बायो का मतलब होता है जीव, इस लोगस का मतलब होता है अध्ययन करना, इसीलिए इसको बोला जाता है जीवों का अध्ययन करना। क्या बोला जाता है, जीवों का अध्ययन करना, इसी को हम बायोलॉजी बोलते हैं। और सबसे पहले एक बात आती कि यह बायोलॉजी की खोज किसने करी, बायोलॉजी की खोज करी है अरस्तु ने, किसने करी है बायोलॉजी की खोज, अरस्तु ने की है, इसको हम एरिस्टोटल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एरिस्टोटल, समझ गए। इसके बाद आता है बायोलॉजी, इसके बाद आता है यह जो टर्म है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, क्योंकि सबको पता है बायोलॉजी किसके द्वारा खोजी गई है, अरस्तु के द्वारा खोजी गई है, और यह टर्म जो बायो, ये शब्द है, ये किसने दिया गया है, ये सबसे मेन क्वेश्चन है फिलहाल, क्योंकि सबको पता है अरस्तु ने खोजी है। अब सारे टिक किस पे करते हैं, अरस्तु पे। इसके बाद टर्म यह शब्द गिवन है किसके द्वारा, लेमार्क एवं ट्रिनिवेरस, क्या नाम है इस बंदे का, लेमार्क एंड ट्रिनिवेरस, फॉर इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, लेमार्क एंड ट्रिनिवेरस, इस बंदे ने इस टर्म को दिया गया है, बायोलॉजी टर्म को बनाया है। अब हम देखेंगे कि बायोलॉजी के आगे पार्ट कितने हैं। अब हम पढ़ेंगे बायोलॉजी की कितने पार्टों में बटी हुई है, बायोलॉजी बटी हुई है दो पार्टों में। सबसे पहले है जूलॉजी, फिर है बॉटनी, इसको हम बोलते हैं जूलॉजी। जू का मतलब क्या है, वही है जंतु या क्या है, एक जीव,
और लोकस का मतलब अभी आप मैंने बताया था वो क्या है, अध्ययन करना। तो जियोलॉजी में क्या आएगा, जीवों का अध्ययन करना। इसका एक मीनिंग और है, क्या है, अगर जूलॉजी बोटनी, अब आते तो दोनों जीव विज्ञान में ही है या जंतु विज्ञान में ही है, तो इनमें डिफरेंस क्या है। जूलॉजी ये सबसे मेन डिफरेंस है। जूलॉजी का मतलब है ऐसे जीव जो चल फिर सकते हैं। क्या मतलब है, ऐसे जीव जो चल फिर सकते हैं, या वो जीव जो हलचल कर सकते हैं, वो किस में आएंगे, जूलॉजी में। और ये बॉटनी है, बॉटनी का मतलब क्या है, वनस्पति विज्ञान। क्या है, वनस्पति विज्ञान। वनस्पति मीनिंग है एज लाइक कोई पादप ट्री, समझ गए, कोई पेड़ है या पादप है, वो क्या है, एक वनस्पति विज्ञान का हिस्सा है। इसीलिए इनको बोलेंगे ऐसे जीव जो चल फिर नहीं सकते, चल फिर नहीं सकते, ये खड़े रहकर ही अपना जो एक ग्रोथ है वो करेंगे, इसी को बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान। अब आते हैं जूलॉजी। जूलॉजी की खोज किसने करी है, इस बंदे का नाम है वापसी में अरस्तु। अरस्तु के द्वारा जूलॉजी की खोज की गई है। और इसी ने कैसे खोज की जूलॉजी की, इसने एक बुक लिखी जिसका नाम है हिस्टोरिया एनिमेलिया। क्या लिखी है, एक बुक नेम लिखी है इसने इसके ऊपर, बुक नेम जिसका नाम है हिस्टोरिया एनिमेलिया। और इस बुक में इसने 500 से लेकर 1000 तक के जीव जंतुओं को रखा गया है, और उनकी जो विशेषता है, करैक्टरिस्टिक्स है, उसके बारे में इन्होंने पढ़ा है, उसी के लेकर ये जूलॉजी बनाई गई है। अब सबसे मेन अध्ययन किसका है, वनस्पति विज्ञान का। सब इस जूलॉजी को तो पढ़ाते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, बट बॉटनी को कोई नहीं उठाता, जो एक मेन सिस्टम है। अगर बॉटनी को हम उठाएंगे, बॉटनी की खोज किसने करी है, ये क्वेश्चन सबसे मेन है, क्योंकि सबको पता है बायो की खोज किसने करी है, अरस्तु ने। जूलॉजी की खोज किसने करी है, अरस्तु ने। अब आती बॉटनी। बॉटनी सबसे अलग एक चीज है जिसको खोजा गया है थ्रियो फेस्टर्स के द्वारा। क्या नाम है, थ्रियो फेस्टर्स के द्वारा। और इस बंदे ने इसका बोटनी की खोज की गई है। ये सबसे मेन क्वेश्चन है, इसी यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है हर रेलवे के एग्जाम में, या एसएससी या एचएसएससी के एग्जाम में थ्रियो फेस्टर्स को बार बार पूछा गया है। और बोटनी में इसने 500 से ऊपर तक के क्या किए थे, पादपों का या प्लांट का अध्ययन किया था, जिससे इसने क्या किया, बोटनी की खोज की गई। अब हम तीन और विशेषताएं करेंगे, उसके बाद हम अपना टॉपिक यहीं समाप्त करेंगे, क्योंकि ये एक क्या है, सिंपल सा एक शुरुआत है आज की बायोलॉजी की। हम अब तीन विशेषताएं करेंगे, क्योंकि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जूलॉजी, और जूलॉजी की तीन विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं। देखो इसके बाद क्या आया है, ये तीन बेसिक टर्म यूज होते हैं बायोलॉजी में। सबसे पहले क्या है, मॉर्फोलॉजी, जिसको बोलते हैं हम बाहरी संरचना। बाहरी संरचना का मतलब क्या है, हम उस जीव को कैसे पहचानेंगे, देखकर, क्योंकि हमें तो सिर्फ उसका स्ट्रक्चर ही दिखाना, वो स्ट्रक्चर कैसा है, बाहरी है, जो अपने हमने अपनी आंखों से देखा है। इस मॉर्फोलॉजी टर्म को क्या बोलते हैं, बाहरी संरचना का अध्ययन करना, ठीक है। ये टर्म पूछी जाती है, भाई मॉर्फोलॉजी का क्या अर्थ है, मॉर्फोलॉजी क्या बोली जाती है, बाहरी संरचना का अध्ययन करना। इसके बाद क्या है, एनाटॉमी, क्या बोलते हैं, एनाटॉमी, आंतरिक संरचना का अध्ययन करना। मतलब अब हम क्या पढ़ेंगे, बाहर से तो हमने वो जीव देख लिया, अब उस जीव के बारे में क्या पढ़ेंगे, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, क्या बोलेंगे इसको हम इंग्लिश में, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, उसको हम नोट करेंगे, और इसी के हिसाब से हम ये दूसरी टर्म में क्या लिखेंगे, उसके आंतरिक संरचना का अध्ययन करना। इसके बाद तीसरी टर्म क्या आती है, अब हमने ये दोनों टर्म तो देख ली, क्या है, मॉर्फोलॉजी बाहरी संरचना, उसके बाद एनाटॉमी आंतरिक संरचना। अब हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी, इसका मतलब क्या है, कार्य की, इस कार्य का मतलब क्या है, कार्यों का अध्ययन करना। अब वो जीव
कार्यों का अध्ययन करना, वो जीव कौन कौन सा कार्य करते हैं। जैसे कि हम बाहर से हम अगर हम दिखते हैं तो कैसे दिखते हैं, हमारे दो हाथ हैं, दो ही पैर हैं, समझ गए, दो आंखें हैं, दो कान है, एक नाक है, समझ गए, वो क्या है हमारा, एक बाहरी संरचना है। अब इंटरनल देखेंगे, इंटरनल में क्या आता है, एज लाइक हार्ट, लीवर, समझ के बात ना, तो वो क्या है, आंतरिक संरचना का अध्ययन उसे बोलते हैं। अब फिजियोलॉजी में कार्य, हम क्या काम करते हैं, हम कैसे काम करते हैं, तो ये क्या था दोस्तों, ये है कि एक बायोलॉजी का आज हमने इसका क्या पढ़ा है, एक बेसिक अध्ययन किया है। इसी के हिसाब से हम रेगुलर ऐसे क्लास इस यूट्यूब चैनल पर लाते रहेंगे। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।